कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेशों से मोटी रकम का फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। इसमें करोड़ों का फ्रॉड करने का मामले का कानपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया। इसमें बरामद पेन ड्राइव का डेटा रिकवर होने के बाद अब 5,000 अमरीकी नागरिकों का डेटा मिला है। इसमें बैंक खाते से लेकर निजी जानकारियां भी शामिल हैं। क्राइम ब्रांच ने सीबीआई को जानकारी देते हुए डेटा भेज दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों काकादेव में चल रहे कॉल सेंटर का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ कर करीबन 10 करोड़ की ठगी का खुलासा किया था। इस दौरान मास्टरमाइंड जसराज सिंह के दिल्ली स्थित घर से पुलिस को कई पेन ड्राइव मिली थी और डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया कि एक और पेन ड्राइव से 5,000 अमरीकी नागरिकों का डेटा मिला है। इसमें उनका बैंक खाते का पूरा विवरण, ईमेल, मोबाइल नंबर के साथ ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी समेत अन्य अहम जानकारियां शामिल हैं। इस मामले पर सीबीआई प्रमुख को खत लिखकर कानपुर क्राइम ब्रांच ने अवगत कराया है, जिससे अमेरिका जांच एजेंसी एफबीआई से संपर्क करके खुलासा किया जा सके। उस प्रकरण में जो मुख्य अभियुक्त था जसराज, उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई थी और उसको उसके जहां एरिया जहां वो काम करता है दिल्ली में वहां ले जाया गया था। तो कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और एक पेन ड्राइव मिली थी जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। वो उसके आधार पर हमने उसको परीक्षण किया, पता चला कि जो US के लोगों को उन्होंने फ्रॉड किया था, जिनको बेवकूफ़ बनाया था, वो हज़ारों की तादाद में उन लोगों का डेटा उसके पास मौजूद था। बहुत ही सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल्स के डिटेल्स उसमें मौजूद थे और उसमें बहुत पोटेंशियल था कि किसी अन्य लोगों के हाथ लगते तो उससे भी उन लोगों को नुकसान होता, उसमें फ्रॉड किया जा सकता था। तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है और उन लोगों से डायरेक्ट हम लोग संपर्क नहीं हो पा रहा था, हमने सीबीआई को एक लेटर लिखा है कमिश्नर महोदय की तरफ से कि उसकी पूरी केस की इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो जो डेटा जो मिला है उसके बारे में उसकी जानकारी दी गई है। लगभग 5,000 लोगों का डेटा उसमें अवेलेबल था। हमें उम्मीद है कि सीबीआई के द्वारा इसको परस्यू किया जाएगा और अमेरिका की जो एफबीआई एजेंसी है उसके द्वारा सहयोग प्राप्त कर हम लोग प्रयास करेंगे कि उन लोगों से और इन्फॉर्मेशन लें किस तरीके से वो फ्रॉड उनके साथ हुआ, और हमें इसको साक्ष्य भी हमारे इकट्ठा होंगे और इनको अपराधियों को सज़ा दिलाने में मदद मिलेगी।